नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने अपने सीटों की घोषणा कर दी है, अपने उम्मीदवारों को मैदान पर उतार दिया है और इसके साथ ही चुनाव का आगाज कर दिया है। रीवा जिले की 8 विधानसभाओं में उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आइए जानते हैं आखिर कौन प्रत्याशी हैं जो बीजेपी की नैया को पार लगाने के लिए यहां पर अपनी कमर कस चुके हैं और जिनको मैदान पर उतारा है उनका आखिर कद इस क्षेत्र में क्या है, राजनीति से क्या उनका वास्ता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यूज एडिटर जावेद अंसारी जी। जावेद जी, जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, क्या लगता है कि कितना सटीक है उनका? देखिए विजय जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने 177 विधानसभा सीटों पे अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम जिसमें काटा गया है वो माया सिंह का। ग्वालियर से माया सिंह अभी तक चुनाव लड़ा करती थी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त राजमाता सिंधिया की जन्म शताब्दी मना रही है और माया सिंह उनकी सगी भाभी है, उनका टिकट काटना चौंकाने वाली एक बात है। बिल्कुल, जिस तरह से भाजपा ने यहाँ पर चौंकाने वाले नतीजे दिए हैं कि जिन विधायकों के और मंत्रियों के टिकट काटे हैं वो जिताऊ उम्मीदवार भी माने जा सकते थे और उनका काफी कद भी बड़ा था। अगर हम बात करें रीवा जिले की, तो रीवा जिले में एक विधायक की टिकट कट गई है और वो जिताऊ कैंडिडेट थी उनकी, वो जीत कर आई थी और एक महिला, इकलौती महिला जो थी विधानसभा सेमरिया में, और उनकी टिकट काट दी गई। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाया था। उनके पति ने हाल ही फिलहाल कांग्रेस ज्वाइन की है, वो रीवा से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हो सकते हैं। ये तो तय होगा आने वाली लिस्ट के, कांग्रेस की लिस्ट के बाद। मैं आपको बता दूं, सबसे चौंकाने वाला नाम जो है त्योंथर विधानसभा से है। त्योंथर विधानसभा में रमाकांत तिवारी कदवार नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो वहां पर मंत्री भी रह चुके थे, उनके परिवार से टिकट के कायस लगाए जा रहे थे। अंततः भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला संगठन पर नजर रखते हुए यहां पे जिला उपाध्यक्ष श्यामलाल द्विवेदी को वहां से प्रत्याशी अपना बनाया। बिल्कुल, बीजेपी ने जिस तरह से जमीनी एक प्रत्याशी को यहां पर सीट दी है और जमीनी कार्यकर्ता को उठाकर विधायक के दावेदार में उम्मीदवार बनाया है। और चौंकाने वाली बात यह भी रही कि एक जनपद अध्यक्ष को भी यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है सेमरिया विधानसभा सीट से, केपी त्रिपाठी को। बिल्कुल विजय जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जनपद अध्यक्ष है केपी त्रिपाठी। केपी त्रिपाठी को राजेंद्र शुक्ला का खासम खास माना जाता है। राजेंद्र शुक्ला के खासम खास होने का नतीजा और नीलम कट वहां से चुनाव न लड़ने का मन केपी त्रिपाठी के टिकट की एक सबसे बड़ी वजह मानी जा सकती है। अगर हम बात करें रीवा विधानसभा की, तो रीवा विधानसभा में क्षेत्रीय मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर फिर भाजपा ने अपना दांव आजमाया है और उन्हें फिर अपना उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि एक जिस तरह से उनका ब्राह्मण नेताओं के बीच कद है, विंध्य क्षेत्र में उनकी राजनीतिक कद काठी बन गई है, उसके चलते फिर से उन्हें एक बार फिर मौका दिया गया है और चौथी बार वो यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। राजेंद्र शुक्ल को विंध्य का सबसे कद्दावर भारतीय जनता पार्टी का नेता माना जाता है और ये माना जाता है कि पूरे वो 30 सीटों पर अपना असर रखते हैं, अपना प्रभाव रखते हैं। रीवा से उनके इतने लंबे मार्जिन से वो चुनाव जीते हैं, लगातार जीतते रहे, उनका टिकट तो स्वाभाविक रूप से तय था कि उनका टिकट नहीं कटेगा, लेकिन इस बार उनने अपने कुछ खासम खास लोगों को भी यहाँ पर से विधानसभा का टिकट दिलवाया। अगर गुड़ विधानसभा की बात की जाए, तो गुड़ विधानसभा में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने कद्दावर नेता नागेंद्र सिंह पर फिर दांव आजमाया है। नागेंद्र सिंह पिछले चुनाव पर बता दें कि पिछले चुनाव में 2013 के चुनाव में वो हार गए थे, लेकिन इस बार फिर उन्हें उम्मीदवार बनाया है और वो जिस तरह से उनका कद है, निश्चित तौर पर वो काफी रेस में आगे होंगे। बिल्कुल विजय जी, मैं आपको बता दूं, नागेंद्र सिंह गुड़ से दो चुनाव लगातार जीत भी चुके हैं, एक चुनाव वो पिछला चुनाव हार गए थे और उस चुनाव के हारने की सबसे बड़ी वजह वहां एक निर्दलीय प्रत्याशी का आकस्मिक रूप से ऊपर आना था। मैं बात कर रहा हूं कुमार कपिध्वज सिंह की। उनने 25,000 निर्दलीय प्रत्याशी के रूप से चुनाव लड़के टिकट वोट प्राप्त किए थे। शायद नागेंद्र सिंह की हार का सबसे बड़ा वजह उनकी यही मानी जा सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से कपिध्वज सिंह की वहां पर इमेज बनी थी और एक
युवा नेता के रूप में वो सामने आए थे, समाज से भी हैं, बावजूद इसके वहां पर जिस तरह से वोट उन्हें मिले थे 25,510 वोट, एक निर्दलीय प्रत्याशी को मिलना निश्चित तौर पर ये एक ऐतिहासिक लम्हा था कि उन्हें इतने ज्यादा मतदान मिले थे। और वो फिर मैं बताना चाहूंगा कि इस बार फिर वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने के लिए अपना पासा फेंक दिए हैं और आगाज कर चुके हैं कि वो राजनीति में रहेंगे, तो गुड़ विधानसभा में वो फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मतदाताओं के बीच में जाएंगे और ऐसे में निश्चित तौर पर एक चौंकाने वाले नतीजे वहां पर भी आ सकते हैं। बिल्कुल विजय जी, मैं आपको बता दूं, इस बार गुड़ विधानसभा में वहां के लोगों ने, मेरी काफी लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा मुझे स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। स्थानीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक नहीं दिया है, कांग्रेस का भी स्थानीय प्रत्याशी ने, निश्चित रूप से वहां पर जो भी स्थानीय प्रत्याशी होगा वो अपने आप में काफी मजबूत कैंडिडेट वहां पर होगा। मनगवा विधानसभा की बात करें तो मनगवा विधानसभा में पूर्व विधायक पंचू लाल को फिर भाजपा ने मौका दिया है। पिछले मर्तबा उनकी पत्नी पन्ना बाई को मौका दिया गया था, लेकिन इत्तफाकन वो हार गई थी चुनाव, लेकिन इस बार फिर पंचू लाल पर बीजेपी ने दांव लगाया है और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। बिल्कुल विजय जी, मैं आपको बता दूं, मनगवा की सीट, मनगवा पर पति पत्नी का लगातार कब्जा रहा है। पिछले बार पंचूलाल की पत्नी पन्ना बाई महज 275 वोटों से चुनाव हार गई थी बीएसपी की प्रत्याशी शीला त्यागी से, बहुत कम मार्जिन से वो हारी थी, लेकिन इस बार उनकी टिकट की काट कर उनके पति को टिकट दी गई, ये भी वहां पर पूर्व विधायक रह चुके हैं। देवतलाव की बात करें तो देवतलाव में विधायक ग्रीस गौतम को पुनः बीजेपी ने वहां पर टिकट दी है और जिस तरह से ग्रीस गौतम का कद है और निश्चित तौर पर वो लगातार विधायक रहे, पूर्व में विधायक रहे, इसके पहले मंगवा में विधायक रहे और चौथी बार उन्हें देवतलाव से फिर टिकट दी गई। बिल्कुल विजय जी, मैं आपको बता दूं, गिरीश गौतम ने यहाँ के सबसे कद्दावर नेता श्रीनिवास तिवारी, उनकी उस जमाने में तूती बोलियां थी, उनको उनने 28,000 से ज्यादा मतों से मनगवा से हराया था। शायद वो उसी का प्रभाव है कि वो लगातार वहां से उसके मनगवा से जीते, उसके बाद परसीमन के बाद नई विधानसभा जो बनी उनको वहां से देवतालाब से वोट लड़े और लगातार वो वहां से जीतते चले आए हैं। बिल्कुल, गिरीश गौतम 2003 में राजनीति पे आए और उन्होंने मंगवा से जीत हासिल की, इसके बाद अब फिर 18 में वो देवतलाव से टिकट लेकर अपनी किस्मत आजमाएंगे। अगर हम बात करें मऊगंज की, तो मऊगंज में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक पिछड़े वर्ग के नेता को वहां पर मौका दिया है, प्रदीप पटेल वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है, उन्हें मौका दिया गया है। बिल्कुल विजय जी, मैं आपको बता दूं, प्रदीप पटेल किसी जमाने में बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और लगभग 2.25 लाख के आसपास उन्हें वोट भी मिले थे, वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के वो काफी नजदीकी माने जाते हैं। माना जा सकता है मऊगंज का टिकट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के टिकट को भी कहा जा सकता है, प्रदीप पटेल के रूप में उन्होंने यहाँ पर से अपना एक नुमाइंदा भेजा। बिल्कुल, जिस तरह से मऊगंज में टिकट को लेकर बीजेपी कयास लगा रही थी कि आखिर वहां पर कैसे प्रत्याशी को दे, कौन प्रत्याशी हो, लगातार जिस तरह से वहां पर बहुजन और कांग्रेस के साथ और भी पार्टियां, बिल्कुल विजय जी, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि मऊगंज में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को नया प्रत्याशी देना था, क्योंकि वहां पर जो पिछला चुनाव लड़े थे लक्ष्मण तिवारी भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार वहां उम्मीदवार थे, इस बार उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी, मूल पार्टी समर समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया और उन्होंने ऐलान किया इस बार वो सतपा से मऊगंज से चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पर ये एक चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन टिकटों पर दांव आजमाना चाह रही थी उन्होंने अपने पत्ते खोले और रीवा जिले की 8 विधानसभा में जिस तरह से प्रत्याशियों को मौका दिया चौंकाने वाले। बिल्कुल विजय जी, मैं यहां पर आपको बता दूं कि एक टिकट जिसके तहत लगाए जा रहे थे दिवराज सिंह सिरमौर से, वो पिछली बार उन्होंने श्रीनिवास तिवारी के पौत्र विवेक तिवारी बबला को हराया था, इस बार ये माना जा रहा था शायद उनकी टीम उनको शिफ्ट किया जाएगा सिमरिया, लेकिन उनको वहां से फिर से प्रत्याशी बनाया गया। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 8 की 8 सीटें घोषित कर दी हैं, इसमें बहुत चौंकाने वाली कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही, यही माना जा सकता है केपी त्रिपाठी, क्योंकि केपी त्रिपाठी वहां पर भी एक नया प्रत्याशी आना था, किसी न किसी को होना था, राजेश शुक्ल ने अपनी
जनपद अध्यक्ष पार्टी को वहां से लड़ा दिया है। एक जमीनी नेता समयलाल द्विवेदी जो है चौथर से जिनको उम्मीदवार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो ऐसे उम्मीदवार है जो लगातार जमीन से जुड़े रहे और पार्टी के लिए काम करते रहे। जिस तरह से इसके पहले जनार्दन मिश्र को टिकट दी गई थी और चौंकाने वाला नतीजा भी आया था, जनार्दन मिश्र वर्तमान में सांसद हैं, उसी तरह से समयलाल को माफ करिएगा समय श्यामलाल जी को मौका देकर निश्चित तौर पर एक बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता को मौका दिया है और ये भी कार्यकर्ताओं पे मंत्र फूंका है कि वो किसी भी नेता को देकर टिकट एक बड़ा कद्दावर नेता बना सकते हैं। बिल्कुल विजय जी आप ठीक कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 सीटें घोषित कर दी है, बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ पर 7 प्रत्याशी घोषित कर दिए, रीवा का भी उन्होंने नाम घोषित नहीं किया। फिर भी मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं, यहाँ पर फिर रीवा का टिकट भी बहुजन समाज पार्टी ने लगभग तय कर लिया है, नाम की घोषणा अभी नहीं हुई है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, अब केवल इंतजार है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद यहाँ पर तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी और फिर हम लोग जीत और हार के कायस लगाएंगे। निश्चित रूप से इस बार के चुनाव रोचक होंगे, मजेदार होंगे, इस बार चुनाव को चुनाव की तरह लड़ा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे पत्ते सारे मजबूत प्रत्याशियों को यहाँ पर टिकट दिया। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने पुराने कुछ शहरों पर दांव आजमाया, वो लगातार यहाँ पर से 3 और 4 विधानसभा में दूसरे नंबर पर रहे। अगर मैं बात करूँ सिरमौर विधानसभा की, तो वहां पर से जरूर उन्होंने राजकुमार उर्मलिया का टिकट काटा है और उन्होंने अपने 73 प्रत्याशी को वहां पर से शिफ्ट किया है। मैं बात करूं अगर सिमरिया विधानसभा की, तो पंकज सिंह बहुत कम वोटों से पिछला चुनाव हारे थे। उसी तरीके से खुड़ विधानसभा में भी मुनिराज ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। निश्चित रूप से एक मजबूत यहाँ पर आपको मैं बता दूं सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह नजर आ रही है, देवतलाब से बहुजन समाज पार्टी ने पिछली बार की विद्यावती को वहां पर से टिकट नहीं दिया। विद्यावती ने अभी हाल में ही कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब कांग्रेस के टिकट घोषित होने के बाद यह देखने लायक होगा क्या विद्यावती को वहां से बुलाया जाता है। बिल्कुल, जिस तरह से विद्यावती गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपनी कद्दावर और मतदाताओं के बीच जाती रही, उनकी छवि रही, निश्चित तौर पर वो काफी प्रभावशाली नेत्री रही हैं और राजनीति में उनका काफी असर रहा है। पारिवारिक पृष्ठभूमि ना होने के बावजूद उन्होंने एक नई अपनी जमीन बनाई और गुढ़ के बाद देवतलाव गई, लेकिन वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। वर्तमान में जिस तरह से राजनीतिक परिवेश बन गए हैं, समीकरण बन रहे हैं, अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो वो भी एक असरदार वहां पर प्रत्याशी होंगी। अगर हम बात करें रीवा विधानसभा की, तो रोजबा विधानसभा में कयास लगाए जा रहे हैं कि अभय मिश्र ही रीवा विधानसभा के प्रत्याशी होंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ दो ब्राह्मण राजेंद्र शुक्ल और अभय मिश्र, साथ में बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियां अपना प्रत्याशी किसे बनाती है। बिल्कुल विजय जी, मैं आपको बता दूं रीवा विधानसभा में राजेंद्र शुक्ल का बहुत ज्यादा प्रभाव है। वो पिछले बार भी 50% से अकेले ज्यादा वोट अकेले ले गए थे, बाकी लोगों को उसमें से वोट शेयरिंग करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार अभय मिश्रा लगातार, पहले वो सिमरिया से खुद चुनाव जीते, फिर उनने अपनी पत्नी को, भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा, उनकी पत्नी को दिया, नीलम मिश्रा वहां से वो फिर जीते। उसके बाद अभय मिश्रा रीवा जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष बन गए और उन्होंने हाल ही फिलहाल कांग्रेस ज्वाइन किया। ये माना जा सकता है कि कांग्रेस से लगभग तय है अभय मिश्रा का टिकट। अभय मिश्रा और राजेश शुक्ल का चुनाव निश्चित रूप से इस बार रीवा में काफी रोचक होने जा रहा है। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर है कि रीवा विधानसभा की 8 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार बीजेपी ने अपने तय कर दिए हैं और अपना पत्ता खोलते हुए कांग्रेस की सीटें यहां पर जरूर नहीं आई है। अभी तक कोई उम्मीदवार उनके घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपनी 8 विधानसभाओं की प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इसके बाद ही चुनाव में उनने आगाज कर दिया है और मतदाताओं के बीच जाना शुरू कर दिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये उम्मीदवार जो है भारतीय जनता पार्टी को नैया को कितना पार लगा सकते हैं। विजय जी मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपकी यह खबर जब तक टेलीकास्ट होगी, हो सकता है तब तक कांग्रेस के प्रत्याशी भी घोषित हो जाए,
निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद बहुत रोचक तस्वीर यहां पर उभर कर सामने आएगी और जैसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होंगे हम अपने दर्शकों तक उनकी लिस्ट भी लेकर पहुंचेंगे। बिल्कुल, आप देखते रहिए रीवा दर्शन, हम आपको लेकर आएंगे रीवा विधानसभा की क्या है हाल।